फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो वीडियो है, पाकिस्तान के मिनिस्टर बने हिंदू हैं, ये कौन सी न्यूज़ है? आई कॉन्ट बिलीव दिस, कुछ गफला है यार। तो वीडियो देख के पता चलेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटनों पर आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। हमारे दूसरे दो चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके कई रिक्वेस्टेड वीडियोज़ उन चैनल्स में भी आ रहे हैं। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। देखें हैं क्या। ये वो नहीं है का, ये बेनजीर भुट्टो ने जो नफरत के बीज बोए थे, अब उसका फायदा क्या हुआ जब आज उसका अपना बेटा हिंदू मंदिर में बैठ के शिव पूजा कर रहा है वहाँ। दोस्तों, जिस प्रकार हिंदू धर्म का प्रसार हो रहा है, वैसे ही लग रहा है कि इतिहास दोहरा रहा है। कहाँ हो रही है? वरना जो इस्लामिक देश कभी भारत को घेरने से पीछे नहीं रहते थे, वो देश आजकल हिंदू धर्म को महत्व देने लगे हैं। इतना ही नहीं, महत्व देने के साथ साथ हिंदू कल्चर से प्रभावित होकर अब पूजा पाठ में धीरे धीरे रुचि रखने लगे हैं। क्योंकि सनातन धर्म का इतिहास रहा है कि इस धर्म को मानने वाले लोग सबका सम्मान और कण कण में भगवान को मानते हैं, जबकि कट्टरपंथी तो सब रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं, मजहबी इन सब बातों को नहीं मानते हैं। उन्हीं में से एक मुल्क पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलाना लोगों को ये शिक्षा देते हैं कि उनके मजहब को न मानने वाले लोग इंसान नहीं, कोई क्या कैसे बोलते काफिर, काफिर है, काफिर सब का इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने वीडियो देखे, पाकिस्तान से ही हर हर महादेव होने लगा है। जी हाँ, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, कर कहा है, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे और दिवाली मनाने के लिए भाषण दिया। आप इस वीडियो को देखिए, जिसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भगवान शिव की पूजा कैसे कर रहे हैं। उसके बाद ये देखेंगे हम कि इससे लेकर पाकिस्तान की मीडिया क्या कहती है। यहाँ पर हमारे साथ हमारी खुशियों में मालिक के मुझे से और इन सबको दिवाली की मुबारकबाद देता हूँ। कल एक वीडियो आया, छोटा सा बच्चा पाकिस्तान में, मतलब 8-10 साल का बच्चा, वो इंडिया का स्कूल वाला, स्कूल वाली वीडियो क्या, कौन सी? एब्सोल्युटली। तो जब हम देखते हैं, हम बोलते हैं यार हमें गार्ड पे रहना चाहिए, लोग हमें बहुत ज्यादा हेट करते हैं, हम इनको ज्यादा हेट करेंगे, ये वाली चीज हो रही है। तो हालांकि इस तरह की चीज है, उस बच्चे को ये पता भी शायद ना हो कि यार मैं कर क्या आ रहा हूँ। 8 साल के बच्चे क्या बता रहे हैं कि यार आप इंडिया से नफरत करोगे तो आप सबसे कामयाब इंसान बनोगे, अगर नहीं करोगे तो शायद आप कामयाब नहीं होंगे। आप मुझे बताइए बेनजीर भुट्टो ने जो नफरत के बीज बोए थे अपने उस के हर कश्मीरी मुजाहिद है, वो जो बोलती बोल रही थी ना उस स्पीच में, वो वाले स्पीच में जो नफरत के बीज बोए, उसका फायदा क्या हुआ जब आज उसका अपना बेटा हिंदू मंदिर में बैठ के शिव पूजा कर रहा है वहाँ पे? क्या फायदा क्या हुआ? बिल्कुल, लोग गए थे दिवाली पे और उन्होंने, हालांकि मैं ये भी बात करता हूँ, ये बात मैंने बहुत दफा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के जो बहुत सारे लोग हैं, मैं बिलावल साहब की बात नहीं कर रहा लेकिन बाकी उनके सेनेटर्स एमएनए को, किया सिंध के अंदर वहां पे हिंदू के साथ बहुत ज्यादती होती है, तो आप उसके लिए काम करें, ठीक है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हिंदू कम्युनिटी की तकरीबन 80-90 लाख रहती है, 8-9 मिलियन वो सिंध में। तो मैंने कहा कि यार आप लोग उनके स्पेशली जो उनका जो मेन प्रॉब्लम है वो आपसे कुछ नहीं मांगते, वो अपने कारोबार करते हैं, बहुत अच्छे बिजनेसेस करते हैं वो लोग, ठीक है, आपसे वो कुछ नहीं मांगते, वो आपसे एक चीज मांगते हैं कि यार हमारी जो बच्चियां उनकी अबडक्शन होती है और फिर उनकी कन्वर्जन होती है, इसको आप रोक दें, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, ना आपसे रोड मांगते हैं, ना आपसे नौकरी मांगते हैं, ना आपसे कुछ और चीज, ना आपसे कुछ और हेल्प मांगते। मगर वो फॉरगेट अबाउट कन्वर्जन, जब बच्ची अपने माँ बाप के पास वापस आना चाहती है, ये सब उस पे जो जुल्म होता है, कन्वर्ट किया जाता है, जबरदस्ती शादी रेप किया जाता है, उसके बाद जब बेचारी कैसे भी अपने माँ बाप के पास पहुंच जाती है वापस, उसको माँ बाप के पास जाने नहीं देते, क्योंकि अब वो किसी और की बीवी बन गई है। तो
तो ये किस तरह के लॉज है आपको लोगों का चीज है यार, मेरे ख्याल में इसको हम इसको ठीक कर सकते हैं लेकिन शायद इसको टाइम लगेगा। और मेरे ख्याल हमें बहुत ज्यादा ये जो जिस तरह बच्चे की वीडियो की आपने बात की, इस तरह की हम यहाँ पे कुछ इंडियन जो जो लोग होते हैं तो इंडिया की वीडियो देख रहे हैं, फलाने ये तकलीफ कर दी कि यार मुसलमानों के साथ ये कारोबार ना करो, सर्वेंट ना रखो, ये ना, ये इस तरह देखिए आप किसी छोटे मोटे वायरल की जाती है। लेकिन लेकिन आपको समझना होगा किसी छोटे मोटे किसी ना एक्सट्रीम राइट विंगर की बातों को लेकर ये ना दिखाया जाए पाकिस्तान में कि सारे जो हिंदू हैं वो मुसलमानों के खिलाफ है। मैंने किसी रेगुलर किसी अननोन मिनिस्टर की बात की थी, बेनजीर भुट्टो की बात की जिसने बीज बोए थे किसके नफरत के। अब दूसरा मैं बताऊं इमरान खान, उसने इतने बीज बोए हैं दोनों पार्टी के बीच नफरत के, उसको क्या मिला? उसको भी तो एक पाकिस्तानी ने अटैक किया कल या परसों की बात है। तो जो लोग कहते हैं कि हमें गुमराह करना बंद कर दो, है ना, पहले आप मतलब हमें गुमराह करना बाद में नफरतों वाली बातें बाद में करो, पहले गुमराह करना बंद कर दो। जिसने असॉल्ट किया उसने क्या बोला? ये गुमराह कर रहा है आवाम को, इसलिए मुझसे देखा नहीं गया, मैं गुस्से में था। और उसकी तरह कितने सारे लाखों करोड़ों पाकिस्तानी है जो उससे गुस्से में। तो ये नफरत की बीजें फैला कर इनको क्या मिलता है? इनकी जो गलत सियासत है वो छुपती नहीं है। और दूसरा ये कि ये तो मैं कहता हूं, अगर मैं ये लोगों को यहाँ पे कहता हूँ पाकिस्तान में जो कोई ऐसी बात करता है, मैं उनको कहता हूँ यार अगर इंडिया को गालियां देने से या किसी हिंदुओं को गालियां देने से या उनकी इंसल्ट करने से आपको कोई फायदा हो रहा है या आपके मुल्क को हो रहा है, तो मैंने कहा 23 करोड़ आवाम है सारे इकट्ठे हो जाएंगे, मतलब सारे शहरों में अनाउंस कर दे हुकूमत की आप सुबह से लेकर रात तक गालियां देते रहो, बस हमारे हालात अच्छे हो जाएंगे। मैं कभी हालात चेंज होते हैं और इंडिया से हुई तो फिर तो क्या होगा अगर हम देने लग जाएं जो इतनी पॉपुलेशन है, इससे हालात नहीं चेंज होंगे कि हम नरेंद्र मोदी जी को कहेंगे जी गाली दे दो, दे दो 100 वाट, उनको क्या फर्क पड़ता है, दे दो एक भी आप 5,000 गालियां दे दो क्या फर्क पड़ता है तुम्हारे, तुम कैसे वही दिख रहा है, देखो फर्क कैसे पड़ता है। पाकिस्तानी ये चीज नहीं समझ रहे हैं कि जिस अमेरिका को इतना हेट करते हो उस अमेरिका के हाथ में कठपुतली बन रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे अमेरिका से क्या मैं बता रही हूँ, आप लोग कठपुतली बन रहे, एक तो चाइना के हाथों में, दूसरा देखिए अमेरिका ने ऐसे ही एशियंस को एक दूसरे से लड़ाया है हर बार, चाहे जापान में हो या चाहे अफगानिस्तान में हो। जब रशिया और अफगानिस्तान के बीच में बात चल रही थी, आपको लेनी थी दुश्मनी रशिया से, आपने अफगानियों को यूज किया। आपको जो बताइए सद्दाम हुसैन को मारने के बाद क्या मिला? गद्दाफी को क्यों मारा? वो बस चाहते हैं कि हर जगह उनकी जो है ना पकड़ रहे। अब उनको पता है कि इंडिया एक ग्रोइंग सुपर पावर है, वो किसी ना किसी तरह से मोदी को बदनाम करना चाहते हैं ताकि एरोप्लेन ला के मोदी को उड़ा दें, ऊपर से शूट कर दें, उसको पकड़े, उसको पानी में डाल दें, उसको फांसी डाल दें, जो भी इनका इनका ये है मकसद कि मोदी वंस पूरी दुनिया में ऐसे प्रूव हो जाए कि ही इज अ बुचर, ही इज अ बुचर ऑफ मुस्लिम। जब एक बार वो प्रूव हो जाए हम सक्सेसफुली जाके इसको खत्म कर सकते हैं और इंडिया को हम टेक ओवर कर लें। इनके दिमाग में ये चल रहा है और पाकिस्तान जो है कठपुतली बन रहा है। आप लोग फिर से वो गलती कर रहे हो, खुदा ना खास्ता अगर मोदी जी को कुछ हो गया, जस्ट थिंक अमेरिका फिर यहाँ आएगा, फिर किसका जीना मुश्किल करेगा? आप लोगों का, जैसे अफगानिस्तान का किया था। तो ये बात आप लोगों को समझनी चाहिए कि जो हमारी यूनिटी है अखंड भारत की यूनिटी, चाहे हम अब दो कंट्रीज हैं लेकिन अखंड भारत की यूनिटी नहीं जानी चाहिए। और हमें इन अंग्रेजों को जहां उनकी अमेरिका इज डिफरेंट, ब्रिटिशर्स आर डिफरेंट। तो यार पहले तो वो वीडियो देख के काफ़ी देख के अच्छा लग रहा था कि देखो एटलीस्ट चाहे वो एक्टिंग कर रहे हो ना कर रहे हो, वहाँ मंदिर जाके पूरा रिस्पेक्ट पे करना, उसको तो पॉजिटिव वे से देखना चाहिए कि आपने वहाँ गए वो शिव जी के उनके ऊपर डाल भी रहे थे, तो उससे मुझे लगा कि एटलीस्ट उनके लोगों में कुछ अवेयरनेस तो आएगी कि हिंदूज जो है वहाँ पे उनकी रिस्पेक्ट करो, उनको भी रिलीजन फ्रीली जो है आप करने दो अपना रिलीजन फॉलो, क्योंकि वो खुद गए हैं। और अगर आवाम में जैसे कहते हैं इनके पब्लिक में अगर इतनी हेट्रेड है तो वो खुद अपने ऊपर भी मुसीबत ले रहे हैं इस टाइप से करके बीइंग अ मुस्लिम। ऐसा मुझे लग रहा है कि यूट्यूब में जो लोगों के पास हेट्रेड है वो ज़्यादा चल रहे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर ये बहुत ही ज़बरदस्त हिट हो रहे हैं ऐसे वीडियोज़ जहाँ पर सिर्फ हेट्रेड हो रही है और कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं, वहाँ पर ये हो रहा है। देखिए वहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि माइनॉरिटी की में गए, दिवाली में गए, अगर आज तक उनका कोई मिनिस्टर नहीं गया वो गए तो इट इज़ अ गुड थिंग कि माइनॉरिटी में जा रहे हैं। ऐसे और चीज़ें करनी चाहिए ताकि दिखे कि सबकी इज्जत, सब रिलीजन की इज्जत करो। चाहे वो अपने वोटर बैंक के लिए जा रहे हैं फिर भी इसका मतलब ये होगा कि वोटर बैंक जो कहेगा वो भी करना पड़ेगा,
तो अल्टीमेटली कोई ऐसा बंदा आ रहा है जो दूसरी माइनॉरिटी को भी देख रहा है, विच इज अ गुड थिंग, राइट? पहली बार ही देखा है ऐसा कुछ हमने, तो इसमें ये अच्छी बात है। और दूसरा, जैसे लोगों के नोशंस बन रखे हैं कि यूएस ऐसा कुछ करेगा मोदी जी के साथ, वो तो अनफाउंडेड है। क्यों? क्योंकि आपको कुछ लेवल ऑफ, मैं कहूँगा कि एजुकेशन आना होना चाहिए आपके पास, कुछ लेवल ऑफ न्यूज़ में देखना चाहिए, कुछ लेवल ऑफ इंटरेक्शन होना चाहिए, तभी आप ये बोल सकते हैं। बट ये कोई ऐसा डेटा या फैक्ट नहीं है इस चीज़ में, मैं तो यही कहूँगा। और ऐसी बातें करके जो है गलत लोगों के दिमाग में कीड़ा डालना भी नहीं चाहिए, मैं तो ये कह रही हूँ कि भैया मैं तो सुन के मुझे बहुत हो रहा था, ये क्या बोल दिया यार, दैट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी, अनयूजुअल है, अनयूजुअल बात कर दी है, तो बहुत ही बड़ी अनयूजुअल बात कर दी है। मैं यूएसए ये करे वो नहीं सोच सकती, हाँ अगर पाकिस्तान से कुछ ऐसा करे, हर बंदे का अपना ओपिनियन होता है, दैट इज फाइन, ठीक है, पर बट ये ओपिनियन थोड़ा बहुत ही अनयूजुअल है, अनयूजुअल था, पर उसको वो क्योंकि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया को इकट्ठे हो जाना चाहिए अखंड भारत का करने के लिए, वो अखंड भारत को डिवाइड यूएसए ने नहीं किया था, ब्रिटिशर्स ने जो है वो तोड़ के गए थे। पर पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स, तो अपनी कंट्री का सबको सोचना है, तो वी विल थिंक अबाउट इंडिया और लेट इंडिया ग्रो एंड बी स्ट्रॉन्गर एवरी इंस्ट मिनट एवरी सेकेंड। पर वो वीडियो काफ़ी अच्छा लगा देख के कि खास मंदिर में जाके, दैट वॉज देख के खुशी हो रही थी, ऐसे और ऐसी चीज़ें वहाँ से न्यूज़ आनी चाहिए और इनको करना चाहिए ताकि वहाँ के लोगों को भी पता चले कि दूसरे रिलीजन की इज्जत करो, सब रिलीजन्स इक्वल होते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।